किधर गया सर? किसी का फोन आया था, वो चले गए। आ गया? हाँ। छी, अब आ अपनी पूरी गैंग को लेकर बाबूजी, पब्लिक के सामने धोती उतरवा कर लाते मारूंगा। आप उन्हें चैलेंज किया था इसलिए भाग गया। इस विलन से सभी लोग डरते थे। इतने दिन बाबूजी सबको सता रहा था, इसलिए उसका पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लूट लो। क्या लाइव है? जी सर। एक मिनट, देखिए देखिए, बच्चे बूढ़े और जवान सभी देखिए, देखिए बाबूजी अपनी धोती पकड़ के कैसे भाग रहा है। ये रोड के बीच में क्या है रे? ये बड़ी बड़ी आंखों वाला, मेरे आने से पहले तू किधर भाग गया? यार छोड़ो, मैं एक और चांस देता हूँ। पूरी जनता से मार खिलाने के लिए मैंने गांव के सेंटर में तेरा पक्का इंतजाम किया है। अगर तुझ में दम है तो गाय का पेशाब पीकर मेरे पास आना, फिर दिखाता हूँ मैं तुझे अपना कमाल। चलो गाड़ी घुमा रे, निकाल लो गाड़ी, घुमाओ गाड़ी, इसमें ही दिन निकल जाएगा, जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। आ रहा हूँ जीजू। अरे ओ पुलिस वाला, तूने बाबूजी को चैलेंज किया था कि बीच रास्ते में जनता से मार खिलाएगा, अब देखते हैं किसमें कितना दम है। चलो आ जाओ। इस तरह से तुम लोग डरोगे तो उसका हौसला और बढ़ेगा। चलो सब चलो चलो। क्या चलो? उनके शरीर में खून नहीं है, उनके शरीर में बाबूजी का पेशाब है। इसकी बात सुनकर तुम में से किसी को गुस्सा नहीं आ रहा क्या? उसके पीछे खड़े लोगों से डरो मत, आगे बढ़ो। तुम कितना भी चिल्लाओ, इनमें से कोई भी मेरे सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एक चुटकी बजाऊंगा तो कोई भी औरत अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाएगी, देखोगे क्या? आओ। जब तक तेरे पेट में मेरा बच्चा नहीं रहेगा तब तक मैं तेरे साथ ऐश करूंगा। आ, बैठ तेरी जान पे। ऐश करेगा रे भाड़खाऊ, ये ताकत मुझ में पहले आती तो दोनों बाप बेटों को मार के तुम दोनों की लाश को कुत्तों को दो। शाबाश बहन, मारो। बैठो करके बोल रहा था, मैं आपको तो रीजन समझ रहा था, खुजली निकल गई। औरत से मार खा रहा है तू, अपने आप को गुंडा समझता है? अब पुलिस वाले तुझे कच्चा खा जाएंगे। चल मारो और मारो, आगे से पुलिस की यूनिफॉर्म देखेंगे तो पैंट में पेशाब कर देंगे ये लोग। इसका चिंता तो हो रहा है। रुको रुको रुको, एसपी, क्या क्या ये सब? ये सब इन पे तोड़ा क्या? हाँ, 100 में से 95 यूज किया। क्यों बाबूजी, हिसाब सही है ना? रुकने को बोलो, रुकने को बोलो, तुम्हें अकल नहीं है क्या? मेरी घर हाजिरी में इतने बड़े आदमी को पुलिस स्टेशन में लाकर मार रहे हो? सॉरी सर, भूल हो गई, रुको रे। सर की गैर हाजिरी में मारा इसलिए इनको फील हो रहा है, फिर से शुरू करो। अरे जाओ मंत्री, जाओ, हाथ हिलाते हुए आया, अरे फिर से मुझे मार खिलाएगा, जाओ 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 जाओ। आप टेंशन मत लो, सब मिल बांट के मार सकते हैं, तभी नेताओं की चर्बी थोड़ी कम होगी, समझे? नहीं, मैं पहले से बीमार हूँ, लाठी मुझ पर टिकती नहीं। बाबूजी इस बार लाठी तुम लोग अपना काम करो। एक मिनट साहब, ये जो मैं तुम्हारा रामदास बनना चाहा, तुम अकेले अंदर जाकर बैठ गए। घर जाने दो जीजू, मैं आपकी मुसीबत बाहर से बांट लेता हूँ। आप मार खाओ, मैं चीखूंगा। हाँ मारो। पापा लॉलीपॉप, you
जाओ जाओ, अगर रुकोगे तो बच्ची को मार देंगे। जाओ सब जाओ। कौन हो तुम लोग, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मरने से नहीं डरने वाला, अपनी मूछों पर ताव देने वाला। आज इसकी आंखों में डर देखो। बोलना इतना आसान नहीं, मौत जब सामने आती है अच्छे अच्छे की फट जाती है। अगर तुम्हें दम होता तो तुम भाग करते दूर नहीं आते। डरपोक कहीं का। मरने से डरने के लिए मैं कोई गली में घूमने वाला मामूली गुंडा नहीं। राठौर, विक्रम सिंह राठौर, डर मुझे नहीं, मौत को है। अकेले में मुझे बुलाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए 6 महीने से पागल कुत्ते की तरह पीछे पीछे घूम रहे। मुझे ले जाने से पहले मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा यहाँ पर, समझे तुम लोग? ब
राउंड से घुमाने वाली मूछों की कसम, जान से ज्यादा प्यार करने वाली बेटी की कसम, तुम में से एक भी एक मिनट भी मुझसे लड़ेगा तो मैं अपनी मूछें निकलवा दूंगा। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो वो सामने आकर दिखाए। अरे सर, यस सर, कोई बचा तो नहीं ना? नो सर।